हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 और इसके फर्स्ट पार्ट में कहा गया है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मीन्स हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। Does the following pairs of linear equations have an infinite number of solutions? तो infinite number of solutions के लिए हमें इसको solve करना है, और हमारे पास two equations given है, 2x + 3y = 7 and second equation is a - bx + a + by = 3a + b - 2। तो देखते हैं इसका solution। प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को समझें तो इसमें यह कहा है कि ए की और बी की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये जो इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। तो यहां पे सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशंस आर क्या है, 2x + 3y = 7, ये 1 है हमारे पास। ठीक इसी तरह से a - bx + a + b * y = 3a + b - 2, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब यहां से क्या कहा गया है कि a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, दैट्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एक ही बात है। तो हम लिखेंगे कि फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या कंडीशन होती है मेरे बच्चों, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। तो ये रेशियोज हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। अब यहां से हम a1 b1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से इससे हमें कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 रिस्पेक्टिवली। तो इनके साथ अगर हम इनको इक्वेट करते हैं तो यहां से हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। इससे हमें हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, a1 that is equal to 2, b1 that is equal to 3, और अब देखो c1 निकालने के लिए देखो सारा हमने ये इनको ऐसे लिया है, सारा लेफ्ट साइड में लिखा है। तो यहां पे तो c1 को इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो या फिर आप इसको इक्वल टू c1 लिखते हैं और इक्वल टू c2 लिखते हैं, तो एक काम आपको यहां पे करना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से अगर हम इसको सारे को लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 = 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कि -7 = 0। और ये यहां से देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा काम हो जाएगा अगर हम इसको भी इधर लेके जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको इक्वल टू 7 ही रहने देते हैं, और यहां पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि a1x + b1y = c1, यानी कि कॉन्स्टेंट पार्ट दोनों या तो लेफ्ट साइड में हो और कॉन्स्टेंट पार्ट दोनों या फिर राइट साइड में हो। तो हमने क्या किया, जो कांस्टेंट पार्ट है उनको हमने राइट साइड में ले लिया। अब इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, सारा लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, कांस्टेंट पार्ट को आप राइट साइड में रखना चाहते हैं तो राइट साइड में भी रख सकते हैं। अब यहां से हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी, c1 की वैल्यू आ जाएगी 7। अब a2 = a2 = a - b, b2 is a + b, और c2 is 3a + b - 2।
अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 2 डिवाइड बाय a माइनस b, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय a प्लस b, दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 3a प्लस b माइनस 2। तो एक बार इन दोनों से सोल्व कर लेते हैं और एक बार इन दोनों को देख ले, हम लिखते हैं कि फ्रॉम पार्ट वन एंड टू, पार्ट वन और टू से 2 डिवाइड बाय a माइनस b दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय a प्लस b, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 3 वाला ले लेते हैं, 3 के साथ करेंगे तो ये 3a माइनस 3b, और 2 से करेंगे तो ये 2a प्लस 2b। अब देखो इनको भी इधर ले लेते हैं, 3a माइनस 3b माइनस के 2a और माइनस के 2b दैट इज इक्वल टू 0, तो 3a और माइनस के 2a तो a ही रह जाएगा, माइनस 3b और माइनस 2b तो माइनस के 5b इक्वल टू 0। तो यहां पे इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से पार्ट सेकंड और थर्ड से कर लेते हैं, फ्रॉम पार्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड पार्ट से, तो 3 डिवाइड बाय a प्लस b और 7 डिवाइड बाय 3a प्लस b माइनस 2। अब आप चाहें तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, यहां से भी आप जैसे सेकंड और थर्ड लिया तो फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड लिया एक बार तुमने, एक बार सेकंड और थर्ड, आप चाहें तो फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7 वाला पहले भी लेते हैं, 7a प्लस 7b दैट इज इक्वल टू 9a प्लस 3b और -6, a और b की वैल्यू कर लेते हैं, 7a प्लस 7b -9a माइनस 3b दैट इज -6, तो -2a प्लस 4b दैट इज इक्वल टू -6। अब यहां से देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये जो है हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख देंगे कि डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2, 2 से डिवाइड कर दिया, और अगर -2 से करते तो साइन भी चेंज हो जाएगा, आपकी मर्जी है 2 से कर ले -2 से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से करते तो हमारे पास आ गया -a प्लस के 2b और ये हमारे पास -3। अब आप इसको सोल्व करेंगे, यहां पे कोई पर्टिकुलर मेथड की बात नहीं हुई है और हम लास्ट एक्सरसाइज के पास पहुंच चुके हैं, तो अब आप यहां से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 होगी, तो अब आपको थर्ड और फोर्थ को आपस में सोल्व करना है, थर्ड को और फोर्थ को आपस में सोल्व करना है। आप चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि यहां पे पर्टिकुलर कोई मेंशन नहीं है, तो आपकी मर्जी आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे क्योंकि एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की है, तो कोशिश करें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ही सोल्व करें, तो यहां पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ही सोल्व करें, क्योंकि अब हमारे पास इतनी जगह नहीं बची है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करने की, तो अब हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। तो इसके नीचे ये हमारे पास थर्ड है और ये फोर है, तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में अगर हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, हम एक्स वाई लिखते थे, यहां तो ए और बी है, तो हम लिखेंगे ए बी, और देखो ये ए और बी लिखने से पहले जो हमारा जो कॉन्स्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर होना चाहिए वो, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिखते हैं कि -a प्लस 2b प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं, तो ये ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। अब देखो सारा मैप लेफ्ट साइड में आ गया हमारे पास, अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से जब इसको करेंगे तो एक्स वाई और 1 लिखते, यहां भी कह बच्चों हमारे पास क्या होता है b1, तो b1 है हमारे पास -5, देखो a1 b1 है -5, c1 कॉन्स्टेंट 0 है, a1
ए वन है हमारे पास 1 और बी वन माइनस 5 दोबारा से। अब बी टू 2, सी टू 3, ए वन माइनस 1 और बी वन फिर 2। तो यहां से हमारे पास x डिवाइड बाई, थोड़ा सा अलग नजर आ जाए आपको, इस वजह से x डिवाइड बाई इसकी इसके साथ माइनस से 15 माइनस 0 दैट इज y डिवाइड बाई 0, इसकी इसके साथ की हमने और इसकी इसके साथ तो 0 हो जाएगी, इसकी इसके साथ करेंगे तो 0 माइनस इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस 3, 1 डिवाइड बाई इसकी इसके साथ करेंगे तो 2 माइनस इसके साथ करेंगे 5, जब 2 माइनस तो ये और एक ये 3 माइनस इकट्ठे होंगे तो माइनस के ही 5 आएंगे। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया x डिवाइड बाय माइनस 15, यहां कर लेते हैं x डिवाइड बाय माइनस 15 इक्वल टू y डिवाइड बाय माइनस 3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय माइनस 3। अब हम फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, जब हम फर्स्ट और सेकंड को लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3x दैट इज इक्वल टू, यहां पे एक बात और नोट करने वाली बात है क्योंकि यहां हमारे वेरिएबल a और b है तो इनकी जगह पे आप a और b लिख लेंगे, a और b लिख लेंगे, तो यहां पे भी आप a और b लिख लेंगे, यहां a और ये b, ध्यान रखें क्योंकि अब तो हम a और b में काम को कर रहे हैं। अब हम इसको लेते हैं अगर, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a डिवाइड बाय माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय माइनस 3। यहां से अगर हम करें तो माइनस 3a दैट इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस 3a दैट इज माइनस 15 माइनस, डायरेक्टली दोनों साइड से a इज इक्वल टू इंप्लाइज a इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 3, तो ये 5 आ जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5, तो a तो हमारे पास 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकेंड और थर्ड ले लेते हैं, यहां पे b डिवाइड बाय माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय माइनस 3, वैसे तो देखो कैंसिल कर सकते हैं दोनों को, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करेंगे तो माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो आप माइनस 3b दैट इज माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई साइन चेंज कर लेते हैं और b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3, तो b इज इक्वल टू 1, तो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू आएगी 5 और b की वैल्यू आएगी 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों वैसे ही मतलब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको वैसे ही लग सकता है कि बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इतना ज्यादा कोई खास बात नहीं है क्योंकि अगर आपको नहीं बताया गया कि कौन से मेथड से आप कर रहे हैं, करना है आपको, तो आप जो इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फोर है आप इसको कैसे कर सकते हैं, जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है उससे कर सकते हैं। देखो ये यहाँ ए है और यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों को एड कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह से b की वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये एक लिखने का तरीका है, तो इस वजह से थोड़ा सा बड़ा आपको ये क्वेश्चन लग सकता है। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सेकेंड के अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग pair of linear equations have no solutions और equations given है हमारे पास 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1 x plus k minus 1 into y that is equal to 2k plus 1।
तो यहां पे ये काम हमें करने हैं नो सॉल्यूशन के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है, नो कंडीशन, नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन है उसको आप यूज करके इसको सॉल्व कर दें। तो देखते हैं हमारे पास किस तरह से करेंगे। यहां पे अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम लिख लेते हैं कि गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर, एक है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और एक है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो ये टू इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। अब आपकी मर्जी है, देखो कांस्टेंट पार्ट दोनों राइट साइड में है तो दोनों को आप लेफ्ट साइड में लेके जाना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में लेके चले जाए, या फिर इनको ऐसे रहने तो दोनों को राइट साइड में रहने दो, आपकी मर्जी है। आप इनको लेफ्ट में करना चाहे तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए पर्टिकुलरली आपको लेफ्ट साइड में ही करना पड़ेगा इनको, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे अगर आप इनको लेफ्ट साइड में रखेंगे तब देखिए जैसे पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, इसको राइट साइड में रखा था, आपकी बार लेफ्ट साइड में कर लेते हैं। तो इनको अगर हम लिखे कि 3x प्लस वाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये थर्ड मान लेते हैं, और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y दैट इज, यहां पे ध्यान रखना है कि इनके दोनों के साइन चेंज होंगे यहां पे, या तो इसको आप ऐसे लिख लो 2k प्लस 1 और इसके आगे ब्रैकेट में इसके बाहर माइनस का साइन लगा दो दैट इज इक्वल टू 0। ये 4 हो गया अभी हमारे पास, इन दोनों के साइन चेंज होंगे। अब हमारे पास, अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस या फिर कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां पे हमने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड में लिखा है सारा काम। तो यहां से हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाती है 3, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू आ जाएगी 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 1 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -2k प्लस 1। ये आ गया हमारे पास। अब हमें करना है नो सॉल्यूशन के लिए, हम लिखेंगे 4 गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू हैव नो सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है इसकी, वी मस्ट हैव कंडीशन लिखते हैं इसकी, क्या है हमारे पास, a1 डिवाइड बाय a2 दैट इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अब यहां से वैल्यू रख दो आप, ये वैल्यू है हमारे पास 3 डिवाइड बाय 2k माइनस 1, नेक्स्ट है 1 डिवाइड बाय k माइनस 1 और नेक्स्ट है माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 2k प्लस 1। यहां पे ये एक चीज ध्यान रखोगे कि ये नॉट इक्वल है। अब उसने कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, तो यहां से हम सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 3k माइनस 3 दैट इज 2k माइनस 1, ये इधर आ जाएगा 3k माइनस 2k माइनस 1 माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो ये k इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर हम पार्ट सेकंड और थर्ड से करते हैं तो ये है 1 डिवाइड बाय के माइनस 1 और माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 2k प्लस 1, ये नॉट इक्वल है। अब यहां से माइनस हटा देते हैं, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 1 यहां से k माइनस 1, के इधर गया है 2k माइनस k और माइनस 1 और ये भी माइनस 1, लेकिन ये ध्यान रखेंगे नॉट इक्वल चला हुआ, तो 2k माइनस k और ये माइनस 1 और ये भी माइनस 1, तो ये k आ गया दैट इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। के की वैल्यू कितनी, माइनस 2 नहीं होनी चाहिए, कितना होना चाहिए 2। तो यहां पे हमारे पास जो k की वैल्यू है क्या ना हो, माइनस 2, ये नोट के लिए है और यस के लिए है।
यहाँ पे ऑप्शन में आ सकता है आपके पास, ऑप्शनल में कि आपका लोड वाली वैल्यू हो, तो आपको उस तरीके से सोल्व करना है इसको। तो अब अगर हम इसको इसको पार्ट को लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि k इज नॉट इक्वल टू 2। और अगर हम थर्ड फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, तो इसमें है हमारे पास 3 डिवाइड बाय 2k माइनस 1, दैट इज नॉट इक्वल टू, इसको और इसको लेते हैं, -1 डिवाइड बाय -2k प्लस 1। तो यहां से ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6k प्लस 3 और ये हमारे पास 2k माइनस 1, 6k माइनस 2k और ये -1 और -3। तो यहां से 4k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 4। अब देखो नॉट इक्वल चला तो नॉट इक्वल लिखेंगे, तो k इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू सॉरी। तो एक ये भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि किस तरह से इस क्वेश्चन के बारे में बात की गई है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन आती है, फर्स्ट और थर्ड से लेते हैं तो हमारे पास इस तरह से यहां पे पहुंचते हैं हम नॉट इक्वल के लिए, सॉरी फर्स्ट और सेकंड से ये, सेकंड और थर्ड से हमारे पास नॉट इक्वल के लिए, और फर्स्ट और थर्ड से भी हमारे पास नॉट इक्वल के लिए। तो जनरली यहां पर उसने पूछा गया है, पूछा है कि के की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इक्वल में चल रहा है हमारा काम, तो इक्वल में चल रहा है तो हम ये इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि के की वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक बेहद इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन को करने में, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।